एक 9 साल लड़की की करंट लगन के कारण दर्दनाक मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि घर के उपर जो यह बच्ची खेल रही थी तो अचानक ही हाई वोल्टेज तारा के संपर्क के आ जाती है, जिस तो बाद एक जबरदस्त धमाका होंदा है ते बच्ची बुरे तरीके दे नाल झुलस जाती है। तो जिस तो बाद इसनू हस्पताल ले जाया जाता है पर उत्थे जाके इसकी मौत हो जाती है। आले दुआले के लोगों का कहना है कि इस एरिए दे विच पहला भी कई हादसे अजिहे वापर चुके ने। बिजली विभाग नू भी इन तारां नू दूर करन दी शिकायत की गई है पर हाले तक कोई भी कार्रवाई अमल दे विच नहीं लियांदी गई, जिस दे कारण हुण इह वड्डा हादसा वापर गया। तां कैथल तो यह मामला सामने आया जिथे एक 9 साल लड़की अपनी माँ दे नाल किराए दे मकान च रहिंदी सी ते अचानक ही जदों वह छत दे उत्ते खेड रही सी तां हाई वोल्टेज तारा दे संपर्क दे विच आ जांदी है, जिस दे कारण उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस घटना तो बाद आले दुआले दे लोकां दे विच भी भारी रोष है। उन्हां दा कहना है कि जेकर समा रहिंदे बिजली विभाग दे वल्लों कार्रवाई अमल दे विच लियांदी जांदी तां इह हादसा नहीं सी वापरना। फिलहाल मौके ते हुण पुलिस भी पहुंची है ते मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हादसा जी एकदम से करंट लगे एकदम ब्रह्म उठे जी, आओ क्या नाम है पानी का छिंटा सा लगे थे खेलने लगे थे बच्चे अपना एकदम। किसकी मौत हुई है यहाँ? गुड़िया को जी। कितनी उम्र थी? 10 साल थी उम्र। और क्या हुआ? बस एकदम से हो गया जी, हमें तो पता ही नहीं चला, एकदम घर के अंदर से एकदम ब्रह्म उठ गया जी। कहाँ से बोले? हाँ जी गुड़िया कहाँ है? गुड़िया हॉस्पिटल में जी। जी तो क्या कैसे घटना हुई और क्या शिकायत दे रखी है आपने पहले इसके बारे में? पहले जी मैंने कम से कम 5-6 बार शिकायत देखी है जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या शिकायत दी है भाई? हमारे ऊपर का तार जारी कितनी बारी करंट भी ऐसे आ चुका है, इसलिए हमने बहुत बारी उनको कंप्लेंट दे चुके हैं। तो पहले भी होगी? हाँ जी कम से कम 4-5 मौत पहले भी उसकी सिर्फ बिजली कारण जी सड़क भी हो चुकी है पहले। गुड़िया की मौत हुई बच्ची? नहीं मौत हो गई जी गुड़िया की। हाँ जी। तो आस पास जैसे क्या नाम है जी आपका? सोमा नाम है जी मेरा। क्या हादसा हुआ यहाँ? अच्छा यहाँ पर लड़की मर गई जी 10-12 साल की, बिजली ना पता नहीं जी किस कारण वाल लड़की बढ़ती पाई है। तो अरे देखो जी इस तक पक्षी बैठ जाए नहीं जुए भी सारा बगड़ की लाइट बात जा, फिर बिजली वाला महकमा बुला के लेना पड़े। वो क्यों नहीं करते 20 बार कह लिया जी। चलो ये मकान मालिक दुख है हमारी, जिस टाइम बिजली बात हमारा नुकसान हो जी सारी कॉलोनी का। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज जी लड़की आज क्या हुआ? माम ने तो जी लड़की बढ़ती पाई है फाल्ट आया एकदम बड़ाका उठा। कितनी उम्र थी? उम्र 10-12 साल हो गई जी। मैं तो जी दूर तो आई हूँ बड़ी लड़की दिखी नहीं आ रही, एकदम बड़ाका उठा। हम तो जी बात उस टाइम तो लड़की उसमें लेकर एम्बुलेंस चली गई थी ठीक। और ये मिस्त्रियां जी लवा सबने देखा ही काम, मिस्त्री बगे उड़ा था माटी ले लेकर बगे में माटी से बुझ जाए। वो बिजली वाली वहां भी बुलाई है जी जो अब जाने वाली हो है नी, पुलिस भी आई है सारा सौदा, प्रशासन सारा है, प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रशासन अगर इसकी कार्रवाई करेगा तो प्रशासन मामला जी मानना। पहले जी 4-5 मौत हो ली, 4-5 मौत यहाँ नहीं हुई, कहीं हुई आगे पीछे इसो लाइन के नीचे हुई है जी। कि माम तो रोज सुना फलानी कलोनी में मर गया, दिखड़ी मर गया, उड़ा मिस्त्री पकड़ लिया, उड़ा फलाना पकड़ लिया। नहीं है लेकिन वो देखो जी परेशान है तो काफी परेशान है, बोलिया नहीं जाता जी। विधायक को बोला हो किसी के नुमाइंदे को बोला हो आप? माम ने तो मरता पहला और जा लिया जी, माम तो इब के बस देखा दे यहाँ है पूरे तो जो मौके पे बात ठीक कराए पाए या के जाने और के क्यों या हम मौजूद रह रहे हैं 20 साल। आप लोगों ने बोला नहीं क्या बिजली बोर्ड? मामला जी कई बार बोल लिया, ये मकान मालिक भी जा लिया, सारे तंग है बस। राम निवास है जी। क्या हादसा हुआ यहाँ? पता नहीं जो फॉल्ट होया है, हमने तो फोन आया भी ऐसा बात हो गया हमारे तो लड़की। आपकी गुड़िया थी? हाँ जी मेरी गुड़िया। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? जो मरने वाली है उसको 10 साल की है जी। अभी तो नाम ज्योति है जी, ज्योति है जी, गुड़िया नहीं है इसकी, ज्योति है जी मेरी गुड़िया। तो ये लड़की की लड़की, लड़की का बाप कौन है? कितने बजे की घटना है जी? ये होगी 12:15 बजे की बात, बस 12:15 बजे की बात है। क्या देखा जी आपने? आपके कर रहे थे यहाँ पे? हम तो जी मजदूरी मिस्त्री के। आपने क्या देखा जब यहाँ पटाखा होया? नहीं बड़ा देसी बोल गया, हमने ध्यान दे के धुमा धुम हो गया। अच्छा हम उतर का पैड़ा तो बात फिर तो क्या मानते हैं घटना कैसे हुई होगी?
उसमें आज सूचना मिली थी एक 10 वर्ष के बच्चे थी नहीं तो वो छत पे खेल रही थी दिन में करीब 12 बजे किराए के मकान पे रह रही थी अपने माता सहित। तो खेलते खेलते पास में वो हाई वोल्टेज की तारे थी उसके पास जब खेलने लगी तो वहां से उसका अर्थ बनने से उसमें करंट आ गया और बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में करंट लगने से वो तुरंत मौके पे झुलस गई। कार्रवाई अभी है ना 174 CRPC की कार्रवाई स्टेटमेंट के मुताबिक कर दी गई। तारे मान के चलो शायद 3-4 फुट के आसपास उठाई।